जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन में, जहां मैं आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर बताता हूं। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लें। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो आपका 20 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड, 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देख लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जिनमें सभी को अंक मिलेंगे, मतलब सभी को, जिसे जिसका 84-85 अंक है वो भी पास होने वाला है, तो बहुत ही अच्छी खबर है, देख लीजिए। तो UPTET में कई प्रश्नों के चारों उत्तर गलत हैं। तो देखिए, दो दिन में मैं बता दूं आपको, लगभग 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। 33 घंटे के अंदर लगभग 4-5 हज़ार आपत्ति दर्ज हुई है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में, जो कि 18 नवंबर को किया गया था, जिसमें एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है जिनमें आप सभी को नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, ये वाला क्वेश्चन जो है आपने, उसमें ऑप्शन ही नहीं है इसका जो राइट आंसर, ये गेट्स व अन्य है, तो एक नंबर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो दोनों, मतलब दो दो ऑप्शन है जो दोनों ही अशुद्ध थे। थर्ड है आपका वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस से ही बाहर है, रेखा शर्मा है, लेकिन ये आपका समसामयिकी आपके UPTET में नहीं है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बाहर हो गया। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पखावज व पहिया दोनों ही उत्तर सही है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। पाँचवा क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, सो ये भी क्वेश्चन जो है इसमें आपका श्लेष व रूपक दो अलंकार सही है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो छठवां है वो है अश्वस्वर नहीं है, ऊ व ओ दोनों उत्तर सही है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन जो हैं इनमें आप सभी को अंक मिलने वाले हैं, तो परेशान मत होइए, काफ़ी बच्चे पास हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन तो जिसमें सिलेबस से भी नहीं पूछा गया है, उत्तर प्रदेश मतलब इन्होंने परीक्षा नियम में कहा था कि हम सिलेबस का पूरा अनुपालन करेंगे, लेकिन सिलेबस से भी बाहर इन्होंने पूछा है। और देखिए, ये 6 क्वेश्चन जो थे ये तो केवल, मतलब आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो सभी को अंक मिलेंगे, बाकी लगभग 12-15 क्वेश्चन हर सीरीज़ में गलत हुए हैं, 12-15 क्वेश्चन हर सीरीज़ में गलत हैं, जिनमें मतलब कि आंसर, मतलब पेपर में सही है लेकिन आंसर की में जो है, आंसर जो दिया गया है वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो उसके भी नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो परेशान मत हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, और बस अब 30 नवंबर तक का इंतजार करिए, ठीक है। 30 नवंबर को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, फिर उससे आप मिला लीजिएगा, उसके बाद आपकी जो मार्क्स होंगे वो एकदम सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, एक और न्यूज़ है वो है कि शिक्षक भर्ती को कॉपी का पुनर्मूल्यांकन जो होना था वो आपका अगले माह होगा, इस माह यहाँ टेट में काफ़ी बिजी होने का कारण परीक्षा नियामक को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जो पुनर्मूल्यांकन वो अगले माह होगा। और ये कौन कराएगा, तो ये परीक्षा नियामक नहीं करवाएगा, ये आपका NCTE लखनऊ के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCTE लखनऊ को सौंपा गया है ये काम, तो आपका ये अगले माह होना है, और इसके लिए 30,751 आवेदन आए हुए हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।